पास इस सेगमेंट में जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो एक कैनेडियन इमिग्रेशन और यूएस इमिग्रेशन ग्रीन कार्ड के एक्सपर्ट हैं फ्रॉम लालानी एंड एसोसिएट्स मिस्टर सिकंदर लालानी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैर खैरियत है। चलें जी, तो सबसे पहले जो है आप इमिग्रेशन और इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा एक आइडिया नाज़रीन को दीजिए, फिर हम प्रॉपर सवालात के साथ आगे बढ़ेंगे। बेसिकली इमिग्रेशन एज यू नो ये तो सिंस इंसेप्शन से ही है, जब से ह्यूमन काइंड है, एंड माइग्रेशन तो होता रहा। एंड इफ यू लुक इन इस्लामिक हिस्ट्री, हिजरत इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट, हिजरत हुई और देन थिंग्स मूव। लोग कहते हैं एंड आई बिलीव इन दैट हिजरत और माइग्रेशन ऑलवेज ब्रिंग अ लक, right? Because you move out, change of place, change yes. of place hota hai, and then you, whenever you become a migrant, you work harder than the locals. Always it been that, and as such you get a more space. Aapko zyada space milti hai tarakki karne ki. To jab bhi aap jab bhi dekhenge new migrant, koi bhi aayega, hum India se kuch mahajir idhar aaye Pakistan, they were more hard working because सन ऑफ द सॉइल्स थोड़े वो हो जाते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, कंफर्ट है, कंफर्ट है, और जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं दे वर्क हार्ड। सिमिलरली यहाँ से अब जो यूरोप जा रहा है या कनाडा जा रहा है या यूएसए जा रहा है, दे वर्क हार्डर टू सेटल एंड दे बिकम हैबिट टू वर्क हार्ड, वेस्ट टाइम बेसिकली, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ दे हैव टू सेटल इन द प्रोसेस, वो सीख लेते हैं हार्ड वर्क करना और एंड देन दे गेट अ स्पेस टू डू अ तरक्की। तो दैट्स अ कॉन्सेप्ट, बट नाउ लीगली बिकॉज बॉर्डर्स बन गई है नेशंस में एंड हर नेशन कंट्रोल करते हैं अपनी बॉर्डर को, तो वो एक लॉ ले आता है कि ये लोग हमारे पास आ सकते हैं। जस्ट लाइक कनाडा में स्किल्स वर्कर्स है नाउ, दे उनको यंग लोग चाहिए, 30, 32, 33 साल के, मास्टर डिग्री होल्डर हो, 3 साल का सिर्फ एक्सपीरियंस हो और अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो उनके लिए वो लॉ में इजाज़त आ जाए। पहले वो एज लिमिट एक ज़माने में 49 भी थी, फिर 45 भी, बट देन दे रियलाइज कि ज़रा ओल्ड एज के थोड़े आते हैं या मिडिल एज से अबव आते हैं, उनको असिमिलेट होना सोसाइटी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यंग होता है वो हर चीज़ को अडॉप्ट करना फास्टर करता है, राइट? और इंग्लिश वॉज नॉट वेरी स्ट्रिक्टली टेस्टेड पहले, वीज़ा ऑफिसर खुद ही इंटरव्यू में डिसाइड कर लेता था कि मैं इसको कितने पॉइंट्स दूँ। अब वो आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसमें चारों कंपोनेंट का देना, लिस्टिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो वो एक किस्म का स्ट्रक्चर कर दिया है कैनेडा ने। तो बेसिकली एनी बडी एज अप टू 33, मास्टर डिग्री, 3 साल का एक्सपीरियंस अक्सर होता है इस एज तक, तो कि 23-24 साल में अंडरग्रेड करते हैं, 1-2 साल के बाद ग्रेड कर लेते हैं, फिर 3 साल का इसमें, तो 28-29 के बाद लोग होते हैं जो एलिजिबल, 27 से लेकर 33 एज वाले ज़्यादातर एलिजिबल हो जाते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ कि स्पेशली आप तो कह रहे हैं कि ये कब से चल रहा है, इन माय फ्रेंड सर्कल बहुत सारे लोग कनाडा चले गए हैं और इसी एज ब्रैकेट में, तो उसमें वो जिक्र करते हैं कि कोई पॉइंट्स होते हैं जिससे आप अपनी एलिजिबिलिटी डिसाइड करते हैं, तो ये क्या पॉइंट्स का ये होता है कि देयर आर टू स्टेजेस। वन होता है कि आपको पूल में जाना होता है, तो उसका एक 100 में से 67 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, जो अक्सर इवन 45 वाला भी कैप्चर कर लेता है, यू नो वो पूल में तो आप आ जाते हैं, लेकिन वो पूल में से एवरी 15 डेज 20 डेज पे वो सिलेक्शंस करते हैं टॉप ऑफ द क्रीम, ठीक है? और वो जो सिलेक्शंस के स्कोर्स होते हैं वो आजकल चल रहे हैं अराउंड 460s में, और हमारे जैसी हम 450 तक के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज वी नो कि पॉइंट्स में ड्रॉप अप टू 450, तो वो एक अलग क्राइटेरिया, उसी के वजह से हम कहते हैं कि एज 32-33 होगा, मास्टर्स डिग्री होगी, इंग्लिश अच्छी होगी जिसमें लिसनिंग 8, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग 7 और 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो वो 460 के अराउंड पॉइंट्स पे बनेगा एक अंदाजे के हिसाब से। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बींग सेलेक्टेड इज एक्सट्रीमली हाई, राइट? तो वो हम उसको इस तरह से देख के असेस करके उनको एक्सेप्ट करते हैं प्रोफेशनल्स को। एंड पाकिस्तानी किड्स आर एक्सलेंट सिंस लास्ट 20 इयर्स ओए लेवल आ गया, बिल्कुल, तो उनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी हो गई है, राइट? एंड दे आर स्मार्ट किड्स, यू नो पाकिस्तानी किड्स दे डू वंडर्स, एंड उधर उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगी टू डू मोर वंडर्स। इधर थोड़ी सी सोसाइटी के अंदर इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं रही,
न्यू डेवलप न्यू कंपनीज नहीं आई, न्यू फैक्ट्रीज नहीं लग रही है, यू नो, तो उनको थोड़ा सा फील होता है कि वी कैन नॉट यू नो एक्सप्लोर आवर सेल्फ टू द फुलेस्ट. तो इस वजह से यंगस्टर्स वॉन्ट टू गो. तो उससे ये भी होता है कि माँ बाप की सख्ती कम हो जाएगी थोड़ी सी. You know, everybody has his own reasons. और ये एज में एक्सप्लोर करके कैनेडा इज द यू नो द मोस्ट डिजायर्ड डेस्टिनेशन है. अच्छा, तो जो जो है जाना चाहते हो हमारे नाज़रीन में से जो देख रहे हैं, तो वो 3 साल का उनका किसी चीज में एक्सपीरियंस हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, और उसके अलावा वो मास्टर्स डिग्री, मास्टर डिग्री हो, एज 32-33 हो, और आईएलटीएस का एग्जाम दे सके. क्या उसमें एवरेज जो बैंड होता है वो क्या एवरेज? तो यू नो पीपल टेक इट, उनको मुश्किल ज्यादातर लोगों को राइटिंग में होता है बिकॉज वो थोड़ी ग्रामर थोड़ी सी, तो वो 6.5 पे. लेकिन इफ दे रियली वर्क हार्ड, जस्ट थोड़ा 2 से 4 हफ्ता स्पेंड करे सही तरह से और खुद सेल्फ स्टडी कर ले या कोच कर ले, तो देन इजीली दे कैन, एंड आई विल एनकरेज देम टू वर्क हार्ड एंड ब्रिंग टू दैट. पर इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आई थिंक हो जाता है. हाँ, नहीं, वर्क हार्ड पर तो हर चीज हो जाती है, यू नो. अब हम कहें कि बस मैं चाहूँ और हो जाए, वो कोई चीज नहीं होती. यू हैव टू वर्क हार्ड. यस, दोज आर हुज बीन टू गुड स्कूल्स और ज्यादा घर में एनवायरमेंट है या लैंग्वेज का इंग्लिश का, तो उसको इतनी मुश्किल नहीं होती. तो उनके बारे में बताइए जो लोग जाना चाहते हैं बट दे डोंट हैव एनी डिग्री, फॉर एग्जांपल मास्टर्स डिग्री नहीं है, चले उससे पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं. वो तो फिर वो कैनेडियन सिस्टम में जो एक सिलेक्शन सिस्टम में नहीं है, बट डेफिनेटली मैं मजाक में कहता हूँ फिर या नौकरी हो या छोकरी हो, यू नो सॉर्ट ऑफ इट, यू फाइंड अ गर्ल टू गो, अ गर्ल फाइंड अ गुड बॉय इन कैनेडा एंड मैरी एंड गो, तो देयर इज नो क्राइटेरिया. For that, no age criteria, no education criteria, no language criteria, no experience criteria. As long as you know, become a spark. Enterprising है, तो फिर आप जा सकते हैं. चलिए, इस बात पे हम लोग एक ब्रेक लेंगे और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सिकंदर साहब से थोड़ा और प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि अगर आपको मुल्क से फरार होना है तो कैसे होना है. From the break, नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं. सर, अभी हमने पॉइंट्स की बात की, एलिजिबिलिटी की बात की. लेट्स अज्यूम एक इंडिविजुअल एलिजिबल है, इस क्राइटेरिया को मीट करता है, उसके आगे प्रोसेस क्या है कनाडा की? सिंपल, उनको अपनी एजुकेशन डिग्री को असेस कराना होता है कैनेडियन इंस्टीट्यूशन से, WES है और उनके इंस्टीट्यूशन से. उसके बाद वो अपना प्रोफाइल बनाते हैं, दे कैन हायर अस, वी हेल्प देम इन क्रिएटिंग अ प्रोफाइल. Once they are picked up, उसको हम ITA कहते हैं, invitation कहते हैं. invitation आता है तो फिर उसकी formal PR application, permanent residency application जाती है. उसके साथ सारे documents जाते हैं, experience letter. Then officer record पे देखता है कि everything's fair. If any reasons, वो पूछता है कहीं fraudulent document तो नहीं डाल दिया. और usually कौन से documents होते हैं? Educational document, experience document, birth certificates. You know, सारे. फिर वो आपका मेडिकल चेकअप कराते हैं, साथ एप्लीकेशन के साथ चले जाता है. क्रिमिनल चेक होता है, पुलिस रिपोर्ट होती है. तो वो उसके बाद ऑफिसर डिसाइड करता है और कहता है आके. और द होल प्रोसेस टेक्स 1 year, 1 and 1.5 year टू गो थ्रू कम्प्लीटली. वंस ITA आ गया तो 8 to 9 months के अंदर आपको वीजा आ जाता है, एंड देन यू गो एंड लैंड. ठीक है, स्किल्ड इमिग्रेशन की बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो ऑफर करती हैं स्किल इमिग्रेशन. तो इस वक्त तो ऑफर बेसिकली कैनेडा ही करती है, ऑस्ट्रेलिया करती है और न्यूजीलैंड करती है, लेकिन उनके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. अमेरिका ऐसे नहीं करता, वो H-1B के थ्रू लेता है, ठीक है ना. लेकिन अब वो सुना है कि दे आर कमिंग अप विद द न्यू स्कीम लाइक कैनेडियन स्कीम, ठीक है ना. बट व्हेन दे कम इन वी डोंट नो, वो भी आ रही है. दो मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट बट स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड. बट अब ट्रेंड आ गया स्मॉल बिजनेसमैन का, बिकॉज बिजनेस थोड़े से वो वे हैं, तो दे वांट टू मूव आउट. तो कैनेडा ऑफर फॉर स्मॉल बिजनेसमैन एज एन एंटरप्रेन्योर इन टू PNP प्रोग्राम्स, कि उधर जाके अब अपनी दुकान खोलें और कारोबार करें, ठीक है. तो कनाडा के सारे प्रोविंसेस ने खोल दिया. एक ही प्रोविंस रहा वो डायरेक्ट PR देता है, दूसरे सारे प्रोविंस वर्क परमिट देता है. यू प्रूव बिजनेस सक्सेसफुल तो वो फिर आपको नॉमिनेट करके फिर PR मिलता है, ठीक है.
ठीक है, PR meaning permanent residency, which is equivalent to green card, like that. इसी तरह US में E2 है तो non immigrant visa है, EB5 है तो direct green card है by investment है. इसी तरह by investment Europe में Portugal है, Cyprus है, Malta है, आप जायदाद खरीदें तो आपको इमिग्रेशन दे देते हैं. टर्की इज गिविंग डायरेक्टली पासपोर्ट आजकल. हाँ, जस्ट बाय प्रॉपर्टी पे $250,000 की आप प्रॉपर्टी खरीद लें एनी, तो वो आपको डायरेक्टली एनीवेयर इन टर्की और आपको डायरेक्ट पासपोर्ट दे देते हैं 6 to 8 months में. अच्छा, बिकॉज दे नीड डॉलर्स, दे नीड पीपल टू कम एन एंटरप्रेन्योर कम एंड सेटल डाउन देयर. इसी तरह देर आर कैरेबियन कंट्रीज, वो भी आपको डायरेक्ट पासपोर्ट दे देती है. आप यू नो give a donation to the government even, okay, if, or buy a property, your choice. ठीक है ना, तो whole world is taking an advantage कि हम किस तरह से capital को mobilize करें और क्या और वो, because first they have to offer something, right? Right. तो people have wanted to explore. जैसे चार भाई है घर में, कहते एक जाओ तुम एक्सप्लोर करो, चार बेटे तो एक बेटा तुम चलो निकलो थोड़ा एक्सप्लोर करो, बिकॉज बेस बढ़ाओ अपना और इंटरकनेक्शंस होगा. सपो एक भाई चला गया तो वहाँ से वो इम्पोर्ट कर रहा है तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, इट्स हेल्पिंग. इसी बात पे सर, जैसे हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे बड़ी जल्दी से, नेगेटिव कॉनोटेशन होता है थोड़ा एक ब्रेन ड्रेन का कि हम लोग अपने लोग भेज रहे हैं और अच्छे लोग जा रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि ये एक्चुअली हमारे लिए बेनिफिशियल है. बेनिफिशियल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी यहाँ से जाता है बाहर वो अपनी स्किल्स को एनहेंस करता है, सिविलाइज मोर होता है, इन द सेंस उधर के कानून उनकी चीज़ों को समझता है. और जैसे अमेरिका में इंडियंस ने 80s में वही रिटर्निंग इंडियंस आके उन्होंने टेक्नोलॉजिकल हब बनाया बेंगलोर में, हैदराबाद में, हर जगह, और वहाँ से 1980 से इंडिया ऊपर चला. दे वर द नॉन रेसिडेंट इंडियंस फ्रॉम अमेरिका. क्योंकि आप सीखते हैं ना, सीखते हैं, आप करते हैं. और दोस इंडियंस हु स्टेड बैक और पाकिस्तानी हु स्टे बैक, जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए, पेप्सी के सीईओ बन गए, गूगल के बन गए, तो वो उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग हो गई तो वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं बैक होम को. बिल्कुल. इफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो फिजिशियंस हैं अमेरिका में, दे वेरी उनकी रीजनेबल गुड लॉबी है, वो सपोर्ट करती है. इसी तरह हमारे पाकिस्तानी अच्छे इंजीनियर, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स या कॉर्पोरेट लीडर्स या अकाउंटेंट्स या लॉयर चले जाएं और उधर सेटल होते हैं तो वो एक लॉबी क्रिएट करते हैं एंड देन दैट्स गोइंग टू हेल्प द बैक होम. सही है. इंग्लैंड जाना चाहें लोग, इंग्लैंड जाने का भी तरीके है कि उसमें प्रोफेशनल नॉट इजी, तो कोई चीज़ है, आई सिंपली से कि एग्जाम का पर्चा आपको आता है तो इजी है, डिफिकल्ट है शायद. उसमें प्रोफेशनल्स को नहीं है, कोई ऐसा स्कीम नहीं है उनकी, लेकिन दोज हु हैज ग्रेजुएटेड वहाँ से, जो ग्रेजुएट हुए तो एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर 50,000 pounds स्टर्लिंग में स्टार्ट कर सकते हैं. देयर आर स्टार्टअप प्रोग्राम्स जिसके अंदर 200,000 pounds स्टर्लिंग डाल के आप स्टार्टअप कर सकते हैं. पहले उनका एक एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम था, वो इतना सक्सेसफुल पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट से नहीं हुआ, तो पीपल जा रहे थे लेकिन स्मॉल बिजनेस चला नहीं पा रहे थे. तो वो चीज़ें हैं, लेकिन ऑलवेज यूके इज ऑल्सो इमिग्रेटिंग कंट्री, ऑलवेज बीन, लोग काफ़ी यूरोप से जाते हैं और यहाँ से. ये जैसे स्किल हो गई, इमिग्रेशन, इन्वेस्टर वाली हो गई, प्रोफेशनल, इसमें जनरली कैनेडा में फॉर एग्जांपल हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट सिटीजनशिप? लुक, सिटीजनशिप तो वंस यू लैंड एज अ परमानेंट रेसिडेंट, 3 साल आप रहते हैं, 5 साल में तो यू आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप. And you get the citizenship within a week. Go and get your passport done. So people go for it. Once you have a passport, you have a liberty to travel or move to United States. सबसे अच्छी बात ये है कि if you are a citizen of Canada, yes, and you are a professional, you can work in US under TN visa. And you don't. There is no cap. There is no requirement except you should have a job offer from US employer. Period. Okay. You show your job offer at the port of entry, they will stamp you work. Wonderful. So the whole economy of North America, which is a huge economy, Canada and America mila ke, wo aapke liye khul jati hai. That's amazing. Aur Dazreen, jaise ki humne baat ki ki immigration se aapka jo world view hai, horizons jo hain, ye बढ़ जाते हैं, डेवलप होते हैं, हमारे अपनी कंट्री के लिए कितना अच्छा है. सर बस हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम रह गया, जाते जाते अगर आप ऑडियंस को हमारी कोई मैसेज देना चाहें. लुक यंग, वर्क हार्ड, कहीं भी रहोगे, पाकिस्तान में रहो, बाहर जाओ, कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड ऑब्जेक्टिव रखें कि अपनी ग्रोथ के साथ साथ लुक बैक होम, हम अपने मुल्क के क्या ग्रोथ कर सकते हैं. दैट्स
basic ye concept hoga, you will all grow and we all benefit as a Pakistan. Yes, absolutely. Wonderful. Thank you so much. You're welcome. Bahut bahut shukriya sir hamare show pe aane ke liye and sharing all your information and knowledge with us and our audience. Ji, bilkul. To ab yahan par waqt hota hai